उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नौकरियां पात्रता और पारदर्शिता के आधार पर दे रही है। ऐसी धारणा के साथ मंगलमय भविष्य की कामना पूरी होने पर नवचयनित युवा मुख्यमंत्री के प्रति आभार जता रहे हैं। युवाओं का मानना है कि पारदर्शिता से नौकरी मिली है, लिहाजा अपने कार्य के प्रति उनका दायित्व भी बढ़ गया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों ने कहा कि योगीराज में ईमानदारी के बदौलत हमारे सपने पूरे हुए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी निष्ठा से कार्य कर आमजन को सरकार की सुविधाओं का लाभ दिलाएं। आइए सुनते हैं नियुक्त पत्र मिलने पर युवाओं का क्या कहना है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 नौजवानों को आज प्राप्त हो रहे नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री श्री एके शर्मा जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवचयनित प्रदेश के हमारे सभी युवा साथियों, आज मुझे प्रसन्नता है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 1800 युवा प्रतिभाओं को प्रदेश के अलग अलग विभागों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, आवास विकास परिषद में, आयुष विभाग में, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में, सचिवालय प्रशासन विभाग में, प्रशासनिक सुधार विभाग में, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, गृह विभाग में उन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं प्रदेश के इन सभी अलग अलग विभागों के लिए चयनित युवा प्रतिभाओं को प्रदेश की सेवा में आने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं और उनके परिवारजनों को और उन्हें हृदय से बधाई देता हूं।